हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है यश। आप देख रहे हैं फिल्म मेकिंग फ्राइडे और आज हम बात करने वाले किसी भी कैमरे का या फिर मोबाइल का मैनुअल मोड कैसे यूज़ करें। इस वीडियो में हम तीन क्वेश्चन को कैटर करने वाले हैं। पहला कि ISO, शटर स्पीड, अपर्चर, फ्रेम रेट और वाइड बैलेंस क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन कि हम कैमरा में मैनुअल मोड कैसे सेट करें। थर्ड क्वेश्चन कि हम अलग अलग सीनेरियोज में कैमरा में मैनुअल मोड कैसे सेट करें। कोई भी वीडियो मल्टीपल फोटोज से बनती है, मतलब बहुत सारे फोटोज को फास्टली मूव किया जाता है जिससे हमें वो फोटोज वीडियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक सेकंड में कितने फोटोज उस वीडियो में हैं उसे हम फ्रेम रेट कहते हैं, जैसे कि 25, 30, 60, 120 एक्सेट्रा। तो जैसे हमें पता है कि एक वीडियो मल्टीपल फोटोज से बनती है, वैसे ही एक फोटो लेने के लिए हमारा शटर कितने देर ओपन रहता है उसे हम शटर स्पीड कहते हैं। जैसे कि हमारे आँख में प्यूपिल होता है जो बाहर की लाइट हमारे रेटिना तक भेज देता है, वैसे ही हमारे कैमरा में लेंस में एक अपर्चर होता है जो बाहर की लाइट अंदर तक, मतलब सेंसर तक भेज देता है, उसे हम अपर्चर कहते हैं। पुराने समय में पुराने जो कैमरे होते जो फिल्म पे चलते थे वो हम अलग अलग ISOs की फिल्म्स लेते थे जिससे हम अलग अलग ISO मतलब ब्राइटनेस की फोटोज ले सके या फिर वीडियोस ले सके। उसी तरह आजकल के डिजिटल कैमराज में हम ISO सेट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या रहता है कि जो हमारा सेंसर होता है वो लाइट के लिए कितना सेंसिटिव है उसे हम ISO कहते हैं। वाइट बैलेंस का मेन पर्पज़ होता है हमारे वीडियो में जो कलर्स है वो रियल लाइफ जैसे दिखे, मतलब जो कलर्स हमको दिख रहे हैं आँखों से वैसे ही हमारे वीडियो में दिखे, उसे हम वाइट बैलेंस से सेट करते हैं। और मेनली वाइट बैलेंस वाइट कलर से सेट किया जाता है इसलिए हम उसे वाइट बैलेंस बोलते हैं। कोई भी मैनुअल वीडियो सेट करने के लिए पहली चीज़ आपको सेट करनी है वो है फ्रेम रेट। फ्रेम रेट के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो मैं नेक्स्ट फ्राइडे अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको वो वीडियो सबसे पहले देखने मिले। तो आपको सिनेमैटिक वीडियो चाहिए और आपने 24fps पे वीडियो सेट कर लिया, तो अभी आपको शटर स्पीड सेट करना है। शटर स्पीड का एकदम ईजी रूल है, मतलब जितना फ्रेम रेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। इस केस में हमने 24 यूज़ किया है, मतलब आपको 24 से 2 मल्टीप्लाई करना है, मतलब 48 हो गया। तो अभी 1/48 देखो कि शटर स्पीड है या नहीं। नहीं होगा क्योंकि हमारा कैमरा 1/48 नहीं है, उसके आसपास रहेगा, मतलब 1/50 रहेगा। तो अभी वो सिलेक्ट करो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्रिएटिव शॉट नहीं लेना है तो आपको ये रूल फॉलो करना है, इसे 180 रूल कहते हैं। मतलब जितना फ्रेम रेट रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और जो नज़दीक का शटर स्पीड रहेगा वो चूज़ कर लेना। अगर आपने शटर स्पीड कम रख लिया तो ऐसा रिजल्ट आएगा, और अगर आपने शटर स्पीड फास्ट रख दिया तो ऐसा रिजल्ट आएगा। अब आपको चूज़ करना है कि आपको कोई क्रिएटिव शॉट लेना है तो आप दोनों में से कौन सा भी चूज़ कर सकते हो, और अगर आपको नॉर्मल वीडियो शूट करनी है तो आपको 180 डिग्री रूल यूज़ करना है। अब आपको सिनेमैटिक वीडियो चाहिए तो आपको पीछे बोके भी चाहिए रहेगा, मतलब ऐसे स्मूथ बोके चाहिए रहेगा, तो आपको एफ स्टॉप है जो एपरेचर का एफ स्टॉप है वो आपको मिनिमम रखना पड़ेगा, मतलब 1.4, 1.8, 2.8 जो भी आपकी लेंस एबिलिटी देती है उतने। और जैसे कि मैंने बताया एपरेचर लाइट भेजता है बाहर से अपने सेंसर तक, तो जितना बड़ा एपरेचर रहेगा उतनी ज़्यादा लाइट रहेगी और उतना ही ज़्यादा बोके रहेगा। कम एफ स्टॉप मतलब ज़्यादा लाइट, मतलब 2.8 कम लाइट भेजेगा एज कम्पेयर टू 1.8, 1.8 कम लाइट भेजेगा एज कम्पेयर टू 1.4। अब आपको ISO सेट करना है। आपने सुना रहेगा नमक स्वादानुसार, वैसे ही ISO लाइट के अनुसार सेट करना होता है, मतलब ज़्यादा लाइट रहेगी तो कम ISO, कम लाइट रहेगी तो ज़्यादा ISO। तो अभी पीछे के जो सेट किए हैं हमने, जैसे कि फ्रेम रेट, शटर स्पीड और एपर्चर, उसके हिसाब से हम ISO सेट करेंगे। पर ध्यान रखना, अगर आपके वीडियो में कम लाइट है इसलिए आपने ISO बहुत बढ़ा दिया लाइट को कॉम्पनसेट करने के लिए, तो आपके वीडियो में ग्रेन्स आ सकते हैं और ग्रेन्स इतना अच्छा नहीं दिखता। तो उसी के लिए आपको अपना कैमरा समझना पड़ेगा, मतलब आपके कैमरे में कितनी कैपेबिलिटी है, मतलब
कितना आयुष्य तक वो ग्रेन्स कम देता है और उसके बाद उस नंबर के बाद ज़्यादा ग्रेन्स देने लगता है, तो वो आपको पता रहना चाहिए। इसलिए आप कैमरा को ज़्यादा यूज़ कीजिए, जिससे आपको वो आइडिया रहेगा कि कितने आयुष्य के बाद ग्रेन्स आना शुरू होता है। अब लास्ट बचा है व्हाइट बैलेंस। तो व्हाइट बैलेंस ऑटो भी रख सकते हैं, मतलब ऑटो व्हाइट बैलेंस पे भी सेट कर सकते हैं, पर उसका प्रॉब्लम ये है कि वो चालू वीडियो में कलर शिफ्ट करता रहेगा, मतलब वीडियो थोड़ी वार्म हो जाएगी या फिर कूल हो जाएगी तो वो अच्छा नहीं लगता, वो प्रोफेशनल नहीं लगता। तो आपको कस्टम व्हाइट बैलेंस में जाना है और वो स्पेसिफिकली कलर टेम्परेचर पर सेट करना है। तो वो कैसे सेट करें, तो आपके लिए एकदम आसान तरीका लेके आया जाऊँ। एक वीडियो शॉट तैयार कीजिए, मतलब जिस एंगल पर आपको कैमरा रखना है या फिर आपको जो शॉट लेना है उस पर, और उस शॉट में एक वाइट कलर का पेज विजिबल रहना चाहिए। वो वाइट कलर का पेज दिख गया तो उसके हिसाब से वीडियो में वाइट कलर का पेज वाइट लग रहा है या फिर येलो लग रहा है या फिर ब्लू टिंट आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से वो कलर टेम्परेचर सेट कीजिए और उससे आपका परफेक्ट वाइट बैलेंस आ जाएगा। तो अब आप सारे मैनुअल मोड सीख चुके, मतलब मैनुअल मोड में आपको क्या क्या कैसे कैसे सेट करना है वो आप पूरी तरह से सीख गए। तो अभी आपने मैनुअल मोड कैसे यूज करना है वो सीख लिया, पर अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग सेटिंग्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि ज्यादा लाइट रहेगी तो आपको शटर स्पीड या फिर अपर्चर कम करना पड़ेगा, उसी तरह अगर कम लाइट रहेगी तो आपको अपर्चर बढ़ाना पड़ेगा या फिर आईएसओ बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी मैं आपके साथ दो सिनेरियोज शेयर करने वाला हूँ जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आपको कंफ्यूज कर देंगे कि आपको एक्चुअली में क्या चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपको किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए चेंज करते समय। तो आपको सिनेमैटिक वीडियो चाहिए, उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है आपको 24fps में शूट करना है। दूसरी रिक्वायरमेंट है आपको 1/50 शटर स्पीड पे शूट करना है। तीसरी रिक्वायरमेंट है आपको बोके चाहिए, मतलब आपको एफ स्टॉप कम करना पड़ेगा, मतलब 1.8, 1.4 ऐसा। पर आप शूट कर रहे हैं भरे दोपहर में, मतलब बहुत लाइट है, तो वो वीडियो ओवर एक्सपोज हो जाएगा। तो ओवर एक्सपोज हो जाएगा तो आप क्या सोचोगे कि क्या करने का, क्या करना चाहिए हमें, कि हमें एपर्चर कम करना चाहिए या फिर शटर स्पीड बढ़ाना चाहिए। पर अगर आपने शटर स्पीड बढ़ा दिया तो आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो सही दिखेगा नहीं, मतलब जो मोशन ब्लर है वो सही दिखेगा नहीं। तो दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, एपर्चर बढ़ाने का, मतलब अगर आपने अपर्चर बढ़ा दिया तो वो बोके खत्म हो जाएगा, जो आपकी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड थी वो डीप फोकस में चलेगी, मतलब आप पीछे का बैकग्राउंड भी देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। तो आप सोच में पड़ जाओगे कि इसको कैसे हम काउंटर करें, मतलब कुछ ना कुछ तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप शटर स्पीड को छेड़ो मत, मतलब आपको सिनेमैटिक चाहिए तो आपको 1/50 यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ही आप शटर स्पीड को चेंज कर देना। तो अभी आपको चेंज करना पड़ेगा अपर्चर। तो अभी अपर्चर चेंज करोगे तो आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं आएगी, तो अभी आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एनडी फिल्टर, मतलब एनडी फिल्टर मतलब न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर, इन शॉर्ट वो होता है सनग्लासेस अपने कैमरा के लिए। उसी तरह मेरे पास एक है जो है वेरिएबल एनडी फिल्टर, ये देखो ये वेरिएबल एनडी फिल्टर है जो आपको दिख रहा है या नहीं, ये देखो, जो आपको वेरिएबल एनडी देता है, मतलब लाइट कम ज़्यादा पास होने देता है। सनग्लासेस, इन शॉर्ट सनग्लासेस, हमारे आंखों के लिए जो सनग्लासेस होते हैं वैसे ही ये कैमरा के लिए सनग्लासेस। ये यूज़ करोगे तो आपकी ओवरऑल लाइट जो आ रही है वही कम हो जाएगी, तो आपको अपर्चर भी अच्छा मिलेगा, शटर स्पीड भी कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा और आपकी वीडियो सिनेमैटिक हो जाएगी। ये महंगा रहता है, पर नॉर्मल जो एनडी रहती है, मतलब जो वेरिएबल नहीं होती, वो ठीक ठाक प्राइस में मिल जाएगी। तो आप ये बाय कर लेना अगर आपको स्पेसिफिक शटर स्पीड या फिर स्पेसिफिक अपर्चर पर शूट करना है। अब दूसरा सिनेरियो, आपका नाइट का शूट है, आपको एक वाइड एंगल शॉट लेना है जो रात में और सारा फोकस में चाहिए, मतलब आपको डीप फोकस चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहली बात है आपको फ्रेम रेट सेट करना पड़ेगा। फ्रेम रेट सेट कर लिया 24fps, बाद में हमने कर लिया 150 शटर स्पीड, बाद में आपको अपर्चर सेट करना पड़ेगा f8, क्योंकि आपको डीप फोकस में चाहिए, मतलब सारी चीज़ें फोकस में चाहिए क्योंकि वाइड एंगल है, नाइट का वाइड एंगल है।
तो आप ही देखोगे कि आपकी इसमें लाइट बहुत कम आ रही है, अंडर एक्सपोज हो रहा है, तो आपको ISO से लाइट को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो अभी आपने ISO बढ़ाते 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 गए तो आपको दिखेगा कि लाइट तो बढ़ रही है पर हम मेरे शॉट में ग्रेन भी आ रहा है, वीडियो में ग्रेन आ रहा है। तो वीडियो में ग्रेन आ रहा है मतलब आपकी वीडियो इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहली चीज़, आपको अपने कैमरे को समझना पड़ेगा कि कितने ISO के बाद मेरा कैमरा ग्रेन्स जनरेट करने लगा। तो आप उतना ही रेंज तक आपका ISO सेट करो जितना आपका कैमरा ग्रेन्स नहीं जनरेट कर रहा है। और अभी तक अगर आपका एक्सपोजर सेट नहीं हुआ तो आपको बाद में पोस्ट में आपको वो करना पड़ेगा, तो इसलिए वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि आपको ग्रेन्स चाहिए या फिर लाइट चाहिए इस कंडीशन में। तो इसीलिए मैंने ये दो सीनियरीज लिए जिससे आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़े। मतलब जो चीज़ें ईजीली हो जाती है वो क्या कोई भी कर लेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बताई तो आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर दिया मैंने कि अब क्या करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये दो सीनियरीज लिए जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़े कन्फ्यूज़ भी कर देते हैं कि आपको प्रायोरिटी किसको देना है। हमारा मेन पर्पज़ है जो मैनुअल सेट करते हैं हम उसका, कि हमारा एक्सपोजर सही आना चाहिए। पर ये सेकंड केस में एक्सपोजर सही से सेट नहीं हुआ क्योंकि रात में लाइट कम थी या फिर कुछ दूसरा कारण था और आपका वीडियो में ग्रेन आ सकता है ISO बढ़ाने से। तो आपको कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर कुछ तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा क्योंकि मेन हमारा वीडियो में इम्पॉर्टेंट है लाइट। मतलब एक्सपोजर आपने सही से कॉम्पनसेट नहीं किया तो आपकी वीडियो ओवर एक्सपोज हो जाएगी या फिर अंडर एक्सपोज हो जाएगी। तो मेन पर्पज़ है लाइट को सही से यूज़ करना। अगर आप इतने देर वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए, क्योंकि जो आपको चाहिए वो मेरे को बनाने में मज़ा आता है। जय हिंद, वंदे मातरम।